डियर कैडेट्स, हमारे सामने आप एट क्लास का लेक्चर स्टार्ट है और आज हमारा टॉपिक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वे हसना। डियर कैडेट्स, अगर हम बात करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना की, तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना की खुद जमानत दी है, खुद गारंटी दी है, जिसकी जमानत, जिसकी गारंटी, जिसकी अखलाक की गारंटी अल्लाह ताला खुद दे रहा हो, मुझे ये बताएं कि उससे बड़ा कामिल तरीन इंसान कौन होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। तहकीक, ये कहते तहकीक, लकद लकद तहकीक, कान लकुम तुम्हारे लिए हैं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। अब डियर कैडेट्स, बात खत्म। जिसको हमने फॉलो करना है, इस मुकम्मल कामिल तरीन इंसान के बाद बात खत्म। अब जिस इंसान ने कामयाबी की तरफ जाना है, जो इंसान ये चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, जो इंसान ये चाहता है कि कामयाब मेरे कदम चूमे, जो इंसान ये चाहता है कि मेरे अल्लाह ताला उसके बंदे, उसकी मखलूकात मुझसे खुश हो, तो ये लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, पूरी जिंदगी अल्लाह फरमाता है तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। यानी कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपना लो। क्या करना है? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किए उनको फॉलो करना है, उनकी पैरवी करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काम किए? अगर हम तारीख का मुताला करें, तो हमें पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद हस्ती है जिससे मुस्लिम थे, कि जानवरों पर भी, परिंदों पर भी शक्कर करते थे। एक दफा मैं आपको मिसाल देता हूं, जानवरों पर कैसे शक्कर करते हैं, परिंदों पर कैसे शक्कर करते हैं। एक दफा एक साथी ने परिंदे के बच्चे उठा लिए। अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्वे हसना, एक साथी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक परिंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चहचहा रहा है। वो जाकर वापस रख दिए और चिड़िया के बच्चे को, उस परिंदे को करार आ गया। एक ऊंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हैं, एक ऊंट बिदकने लगता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मालिक के पास जाते हैं, उसे कहते हैं इसे वक्त पे खाना दो, इस पर इसकी ताकत से ज्यादा बोझ न डालो। ये है हमारे नबी का उस्वा हसना, ये है अल्लाह के नबी का उस्वा हसना कि इंसान तो दूर की बात, परिंदों और जानवरों पर भी शफ़क़त और रहमत करते थे। अगर मैं आपको इंसानों की मिसाल दूं तो फतह मक्का ये खुला खुला दिन, कामयाबी का दिन है। गैर मुस्लिम जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी जिंदगी सताया, अपने घर से निकाल दिया, अब जो अपने घर से भी निकाल दे उसके लिए क्या सजा है? सुने बात, ये कैडेट्स, काफिरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल दिया, मदीना हिजरत कर आए। एक दिन आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गालिब आ गया, फतह मक्का कर दिया, मक्का फतह हो गया। अब जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने
अपने वतन से, अपने देश से, अपने घर से निकाला था, अब वो काफिर बड़े डरे हुए थे, बड़े गमजदा थे कि आज तो हमारी खैर नहीं है, आज हमारी खैर नहीं है, बड़े गमजदा, बड़े डरे हुए कि आज तो हमारी बचत नहीं है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। इससे बड़ा रहमत का जोश मारता हो सकता, इससे बड़ी रहमत की मिसाल क्या हो सकती है कि एक नबी, एक इंसान अपने बंदों के साथ शफकत कर रहा है, मेहरबानियां कर रहा है। ये कहने एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर्जा दिया, जब तारीख पूरी हुई तो वो कर्जा वापस लेने आया। ये कैडेट्स तवज्जो के साथ सुनना ये बात, वो कर्जा लेने वापस आया मुकर्रर डेट पे, अल्लाह के नबी के पास पैसे उस वक्त नहीं थे। उस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर डाली और जोर से खींचने लगा। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को गुस्सा आया, सहाबा किराम उठे मारने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे सहाबा बैठ जाओ, मेरे सहाबा बैठ जाओ। क्यों या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया ये इसका हक है, ये इसका हक है, क्योंकि मैं इसको मकरूज हूँ, मैंने इसके पैसे देने हैं, ये इसका हक है, जो ये करना चाहे करे। अरे ये है मेरे नबी का उसवा हसना, ये है कामिल तरीन रसूल का उसवा हसना कि जिसको हम फॉलो करके अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। एक बूढ़ी औरत सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा करकट फेंक दिया है, गंदगी फेंक दी है। जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजरते हैं, वो अपने घर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके, अपने घर की गंदगी इकट्ठा करके अल्लाह के नबी के ऊपर फेंक देती है, करती रही ऐसा, करती रही करती रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर जाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर जाते, उसे कुछ भी ना कहते। एक दिन उसने गंदगी ना फेंकी, एक दिन उसने कूड़ा करकट ना फेंका, इस उसवे हसना के मालिक थे इंसान पे। जब उसने कूड़ा करकट ना फेंका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के घर तशरीफ ले गए, उस काफिर औरत के घर तशरीफ ले गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर जाते हैं, उसके क्या देखते हैं, वो बूढ़ी औरत चारपाई पे बीमार पड़ी है, बीमारी के आलम में चारपाई के ऊपर पड़ी है। जब बूढ़ी औरत ने देखा, हैरान रह गई कि वो इंसान आया है कि सारी जिंदगी में जिसके ऊपर कूड़ा करकट फेंकती थी, सारी जिंदगी जिसके ऊपर मैं अपने घर की गंदगी फेंकती थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर कदम रखते हैं, तशरीफ लाते हैं, बूढ़ी औरत पूछती है क्यों, कैसे आना हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने सोचा कि आज आपने कूड़ा करकट नहीं फेंका, आज आपने गंदगी नहीं फेंकी, मैं पता कर लूं कि शायद आप कहीं बीमार तो नहीं है। बूढ़ी औरत इतनी हैरान हुई, इतनी मुतासिर हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब देखें ये बात सोचने की है कि हमारे नबी जिसके लिए दो जहान बने हैं, हमारा पैगंबर जिसके लिए ये कायनात बनी है, जिसके लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने जमीन और आसमान को बना डाला, अरे वो नबी, उस नबी का उसवा हसना ये है कि अपने ऊपर गंदगी डालने वाले को माफ कर देता है, अपने घर से निकालने वालों को माफ कर देता है। उस नबी का उसवा हसना ये है। और हमारी जिस नबी की हम उम्मत ही है, हमारी आदत भी है कि अगर हमें कोई सख्त अल्लाह से कहे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम एक दूसरे को गालियां देने पे आ जाते हैं, हम एक दूसरे को बुरा भला कहने पे आ जाते हैं। हम उस नबी की उम्मत हैं जिसने पूरी इंसानियत को दर्स दिया रहमत का, सबर का, बर्दाश्त का, क्योंकि उन्होंने बर्दाश्त किया, ये दर्स ही है, ये सबक ही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत को दर्स दिया कि माफ करना सीखो। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे 10 बच्चे हैं या रसूलल्लाह, मेरे 10 बच्चे हैं लेकिन मैं उनसे इतना प्यार नहीं करता, लेकिन आपके 2 बच्चे हैं
हसन और हुसैन आप उनसे इतना प्यार करते हैं और आप दूसरे बच्चों से भी इतना प्यार करते हैं। मेरे अपने बच्चे हैं, मैं उनसे इतना प्यार नहीं करता। मेरे 10 बच्चे हैं, मैं उनसे इतना प्यार नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, बल ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। अगर तुम आज रहम करोगे, अगर आज तुम रहम करोगे तो कल तुम पर भी रहम किया जाएगा। हदीस मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये दुनिया में औकात अमल है, तुम जैसा करोगे वैसा ही करोगे। अगर तुम दूसरों को माफ करोगे तो लोग तुम्हें माफ करेंगे। अगर तुम दूसरों के साथ अच्छा सलूक करोगे तो लोग तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे। अगर तुम दूसरों से प्यार करोगे तो लोग तुमसे प्यार करेंगे। अगर तुम दूसरों के लिए दिल में बोझ रखोगे तो लोग तुमसे नफरत करेंगे। जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा। अब आप सोचना यह है कि जिस रसूल ने ये दर्श दिया हो कि आपने माफ करना है, आपने अपने दरगुजर करना है, आपने मजलूमों पे मजलूमों का साथ देना है, जालिम का साथ नहीं देना। अगर हम ऐसा करेंगे, जालिम का साथ देंगे, तो बताइए हमारे साथ क्या होगा? हमारे साथ वही होगा जो अल्लाह फरमाता है कि जालिम का साथ देने वाला जालिम ही है, जालिम का साथ देने वाला जालिम ही है। याद रखें, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिलआलमीन, हमारा नबी वो है जो एक गांव के लिए, एक शहर के लिए, एक मुल्क के लिए, एक जहान के लिए नहीं, इल्ला रहमतन लिलआलमीन। हमारा नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बन कर रहे हैं, इंसानों के लिए नहीं, हैवानों के लिए भी, परिंदों के लिए भी, चिंदों के लिए भी, हैवानात नबातात हर चीज के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस रब्बुल आलमीन के लिए है, उस रब के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। जिस तरह फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसी तरह फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, जहां जहां मेरी रबूबियत है। अल्लाह फरमाता है जहां जहां पे मैं रब हूं वहां वहां मेरा हबीब रहमतन लिल आलमीन है, वहां वहां मेरे नबी की रहमत है। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर और कौन रहमत वाला हो सकता है? अल्लाह की जात के बाद अगर कोई रहमत और रहम दिल इंसान है तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि इस रहमत के सदके, इस रहमत के जरिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो इस्लाम नहीं था, कुफर था, इस्लाम का नाम निशान नहीं था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हर तरफ अंधेरा था, उजाला था, अंधेरा था, तारीकी थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। तो अल्लाह ताला फरमाता है कैसे इस्लाम फैला? फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, अल्लाह फरमाता है फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्ता फज्जन ग़लीज़ अल-क़ल्ब लन्फ़ज़्जू मिन हौलिक, अल्लाह फरमाता है तुम इनके लिए रहम दिल थे कि ये इस्लाम में आ गए, कि गैर मुस्लिम इस्लाम में आ गए। अगर तुम इनकी दिल के लिए दिल के सख्त और अखड़ होते तो ये इस्लाम के करीब ना आते। इस्लाम फैला नरमी से, फैला मोहब्बत से, फैला खलूस से, फैला इसी तरह जिस तरह इस्लाम मोहब्बत से फैला, इसी तरह हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना को फॉलो करना चाहिए, तब ही हमारी दुनिया और आखिरत में कामयाबी हो सकती है। डियर के नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे जो आपके हमारा टॉपिक होगा उस पर गुफ्तगू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट।